झारखंड की राजधानी रांची के नगरी इलाके में बनी नई विधानसभा भवन में बुधवार शाम आग लग गई। फर्स्ट फ्लोर में लगी आग से अफरा तफरी फैल गई। इस हादसे में करोड़ों के सामान जलकर खाक हो गए। इसकी सूचना मिलने पर वहां पहुंची 10 दमकल की गाड़ियों ने लगभग ढाई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग से फर्स्ट फ्लोर पर स्थित विपक्ष की गैलरी में फर्नीचर जलकर खाक हो गए। जिस तरफ आग लगी वहां विधानसभा अध्यक्ष का भी चैम्बर है। आग की सूचना पाकर जिला प्रशासन के अधिकारी और विधानसभा सचिव मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। विधानसभा सचिव ने शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई। हालांकि विधानसभा का निर्माण करने वाली कंपनी मिसर्स राम कृपाल कंस्ट्रक्शंस के कर्मियों ने आग लगने की घटना के पीछे साजिश की आशंका जताई है। उनकी माने तो आग से करोड़ों का नुकसान हुआ है। जानकारी के मुताबिक बुधवार शाम 7:30 बजे आग की लपटें उठती देख विधानसभा कर्मियों ने इसकी सूचना तत्काल पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी। इसके बाद फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने रात 10 बजे आग पर काबू पाया। 10 दिसंबर को निर्माण कंपनी की ओर से इस भवन को विधानसभा सचिवालय को हैंडओवर किया जाना था। 465 करोड़ की लागत से बने नए विधानसभा भवन का 12 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था। 39 एकड़ में फैला झारखंड विधानसभा देश की पहली पेपरलेस विधानसभा है।